गुरु की भक्ति में लीन छिपिटोला समाज प्रतिदिन मुनि पुंगव श्री की जिज्ञासा समाधान और मंगल प्रवचनों का लाभ ले रहा है। साथ ही दान के महत्व को समझते हुए प्रतिदिन बड़ी संख्या में दानदाता मुनि पुंगव श्री की सभा में दान के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा महानगर के परिवारों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की धर्म सभा में आगरा के साथ ही बाहर से पधार रहे गुरु भक्तों का भी हुजूम उमड़ रहा है। साथ ही लोकोदय तीर्थ के लिए दान देने वाले पुण्यशाली परिवार भी मुनि पुंगव श्री को आहार दान कर जन्मों के पुण्य का संचय कर रहे हैं। 15 दिसंबर को छिपिटोला के सौभाग्यशाली परिवार ने मुनिश्री को आहार दान किया और अपने भाव व्यक्त किए। मेरे घर में आए वो आज 31 साल बाद वो फलित हुई है, तो उनको शब्दों में कहना बहुत छोटी चीज है, उनको शब्दों में हम बिल्कुल नहीं कह सकते। जो हमारी 70-80 मेंबर्स की जो एक फैमिली है, उसको एक साथ जब गुरुवर की भक्ति करने को मिली तो हम सबके जो भाव थे वो हम व्यक्त नहीं कर सकते। कि बहुत अच्छा लगा कि आज गुरुवर हमारे घर पधारे, उनका आहार हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पहली बार ही दिया था उनको आहार, मतलब कि अपने घर में, वैसे तो MDGN में भी दिया, लेकिन घर पे अपने पहली बार ही दिया मैंने आज। ऐसे कुछ उसमें है ही नहीं है, लेकिन उस वो तो ज्ञान के अपार हैं, सब चीज़ उनमें बहुत अच्छी है, मतलब इतना ज्ञान है कि कोई बता नहीं सकते हैं उसको। फरीदाबाद से आई रचना जैन ने कहा कि हमें मुनि पुंगव श्री के दर्शन कर लगता है कि हमने आचार्य श्री के दर्शन कर लिए हों। गुरु में शिष्य की छवि अद्भुत है। मैं आचार्य श्री की भी भक्त हूँ, आचार्य विद्यासागर जी की और सुधा सागर जी में उन्हीं की मूर्ति देखती हूँ, तो सुधा सागर जी से भी 15 साल से जुड़े हुए हैं। जब से इनका टेलीकास्ट आता तब से देखती हूँ टीवी पे, और ब्यावर में सबसे पहले दर्शन किए थे इनके। मैं 10-15 सालों से मैं 5-6 बार इनके दर्शन करने जा चुकी हूँ, तो मुझे तो आचार्य श्री तक हमारी इतनी पहुँच नहीं होती, तो इनके दर्शन करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। छिपिटोला से शीतकालीन शिविर में देश भर के समस्त गुरु भक्त मुनि पुंगवश्री की दिव्य वाणी का श्रवण कर रहे हैं और दूर बैठकर धर्म लाभ ले रहे हैं, और जो पास है वो मुनिश्री का आशीर्वाद और पाद प्रक्षालन कर जीवन को धन्य बनाने में लगे हैं। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।